शुरू करते हैं फिर डाउट्स एक्सरसाइज जीरो में रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट. बताओ एक्सरसाइज जीरो में क्वेश्चन नंबर फाइव तक डाउट. क्वेश्चन नंबर टू में 500 बाय पी. यार पी का मतलब पाई है यहाँ पे. यार पी इज पाई. ठीक है थोड़ी भावना समझ लेते क्वेश्चन की. एंड डब्ल्यू इज ओम. हाँ यार वो वॉट नहीं है वो ओम है. अरे थोड़ी भावनाओं में बह गया ये क्वेश्चन लिखने वाला. इधर ओम है इधर पाए है. ठीक है वो थोड़ा तुम लोग उसकी भावनाओं को समझो. थर्ड क्वेश्चन का सी पार्ट इन. हाँ यार ये थर्ड क्वेश्चन में गड़बड़ है यार. मुझे भी कल बच्चों ने किसने पूछा था ये कुछ पता नहीं कुछ मिसिंग है यहाँ पे. देयर इज सम मिसिंग डेटा है ना. छोड़ दो इसको. देखो इसका फंडा देख लेते हैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको. थर्ड क्वेश्चन में सिर्फ इतना है कि बस हमें इतना देखना है कि ब्राइटनेस देखो ब्राइटनेस कब बढ़ेगी जब पावर कंजम्पशन बढ़ेगी. और पावर कंजम्पशन कब बढ़ेगी अगर आई स्क्वायर आर बढ़ेगा. आई स्क्वायर आर कब बढ़ेगा. आर तो बल्ब का सेम है तो जब करंट बढ़ेगा सर्किट में. तो बस ये देख लो कि कौन सा ऑप्शन करंट बढ़ाता है तो ब्राइटनेस बढ़ेगी. बस इतना देख लो तुम लोग. ये स्ट्रेटजी होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की. ठीक है तो जब भी स्टेटमेंट अगर हमें तुम्हें कंप्लीट मिलती है इसकी इसमें कुछ गड़बड़ है मिसिंग स्टेटमेंट है तो बस यहाँ पे इतना देखना आप लोगों ने. जिस ऑप्शन के साथ करंट बढ़ेगा ब्राइटनेस बढ़ेगी. जिस ऑप्शन के साथ करंट कम होगा तो ब्राइटनेस कम होगी. सिंपल सिंपल जैसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में किया था. ठीक है ओके. तो जैसे सपोज फर्स्ट वाला ही है अब है ना. जैसे इंडक्टर है. अब इंडक्टर में अगर मैं इस सर्किट की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा या बढ़ेगा पहले पार्ट में. अगर मैंने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की तो करंट बढ़ेगा या कम होगा. अक्षत करेक्ट करेक्ट करण अर्षित करेक्ट सही है सबका. शिरवी कैसे बढ़ेगा. शिरवी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो अनम्यूट होना जरा शिरवी एक बार समझाओ मुझे क्या थॉट प्रोसेस लगाया तुमने. हमारी आवाज नहीं आ रही सर. अब आ रही है. अब थोड़ी थोड़ी आने लगी 10%. हाँ 20% हो गई. बोलो जरा सर. मतलब मैंने तो फ्रीक्वेंसी को रिलेट किया था ओमेगा एल से. ओमेगा एल से बिल्कुल वैसे ही होगा. तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काय एल व्हिच इज ओमेगा एल वो बढ़ेगा कम होगा. बढ़ेगा. अगर काय एल बढ़ गया तो करंट क्या होता है बी अपॉन डिक्रीज होएगा तो करंट कम हो जाएगा. आगे सर सर. हाँ तो सारे पार्ट्स बिल्कुल तो सारे पार्ट्स आपको ऐसे ही करने ठीक है. किसी को डाउट है तो पूछ लो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 तक. सर सिक्स्थ. सर सिक्स्थ दे विच जो एफ जीरो आ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਈ ਐਲ ਤੇ ਕਾਈ ਸੀ 0 0 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਆ ਉਹ ਆਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗੀ. ਸਰ ਜੇ ਕਾਈ ਐਲ ਤੇ ਕਾਈ ਸੀ ਦੋਨੋਂ 0 ਹੋ ਗਏ ਐਫ 0 ਤੇ ਸਰ ਐਫ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ. ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ. ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ. ਸ਼ਿਰਵੀ ਜਬ ਐਫ 0 ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਕਾਈ ਐਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ. हो गया तुम्हारा भी
ठीक है, तो एफ जीरो तो काई एल जीरो, लेकिन काई सी इंफिनिटी, एंड जब एफ इंफिनिटी तो काई एल इंफिनिटी लेकिन काई सी जीरो, इसलिए दोनों केसेस में करंट जो है वो फ्लो नहीं कर पाएगा बेचारा। करण, क्या कह रहे हैं? फिफ्थ में सर ए एंड बी ऑप्शन सेम है, ए एंड बी ऑप्शन। ओ हाँ यार, सेम तो है, सही कह रहे हैं। नहीं एक्चुअली ये इसको चेंज कर लो, दिस इज वोल्ट, इधर वोल्ट आएगा और इधर एम्पियर आएगा, ठीक है, क्योंकि पहले वोल्ट मीटर की रीडिंग है बाद में मीटर की रीडिंग है, तो पहले वोल्टेज की रीडिंग है बाद में मीटर की रीडिंग है, ठीक है। एनीथिंग एल्स टिल नाइन? हाँ भाई, क्या दिक्कत है? फिर भी तुम कौन सा नेटवर्क कौन सा यूज कर रहे हो? फिर भी एयरटेल। एयरटेल नाबा में वैसे जियो का कनेक्शन बहुत अच्छा है जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया, एयरटेल में फिर भी सिग्नल गड़बड़ हो जाती है, बट जियो खराब नहीं। बीच में कई बार ठीक भी चलता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है एक्चुअली, एयरटेल जो है फ्लक्चुएट करता है इधर, ठीक है, मेरे यहाँ भी ऐसी है। मैं भी पहले एयरटेल भी लेता था क्लासेस, बट बस मेरे ख्याल 2-4 दिन ली, फिर उसके बाद जियो में स्विच कर लिया था मैंने नेटवर्क, एंड दिक्कत नहीं आई कभी जियो में। तो आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड यू टू चेंज योर नेटवर्क टू जियो। ओके से क्वेश्चन नंबर 8 समझ नहीं आया कैसे? समझ नहीं आया, ओके। इन द सीरीज एलसीआर सर्किट आर हमें दे रखा है, वोल्टेज हमें दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब क्या किया उसने, आरएलसी सर्किट था तो तीनों चीजें लगी थी, आर की वैल्यू है अपने पास सिर्फ। अब जब उसने कैपेसिटेंस को बाहर निकाल दिया सर्किट से, क्या किया उसने, कैपेसिटर को जब बाहर निकाल दिया, मेरे पास पहले आर एल एंड सी था, ये 200 है, अब मेरे पास सिर्फ आर है और एल है। जब ये है उस टाइम पे उसने देखा कि यदि करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 30 डिग्री, मतलब फाई जो है वो 30 डिग्री है, ऑब्वियसली एक साइड में करंट लैग कर रहे हैं, जब सिर्फ ये है, इंडक्टर को बाहर निकाल दिया, कैपेसिटर लग रहा है उस टाइम पे भी फाई 30 है, हाँ के ना, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। Yes, अब उसने बोला कि पावर डिसिपेटेड निकाल दो, अब पावर डिसिपेटेड कैसे निकाल लें हम, क्योंकि पावर डिसिपेटेड के लिए टोटल सर्किट का फाई चाहिए, V into I, मतलब V square by R, या तो पावर क्या होता है V into I, RMS values, I am using RMS without, अगर कुछ mention नहीं है तो RMS है, into cos phi, that also means के V into V by Z into cos phi, ऐसा भी है ना, तो मेरे को कुछ Z नहीं पता, phi नहीं पता, क्या करूं मैं, लेकिन उसकी information मेरे को यहां से मिल जाएगी, कैसे मिल जाएगी, यहां से phi अगर 30 है, अब tan phi क्या होता है, XL minus, KL minus KL upon, हाँ, यहाँ पे KL upon R आएगा, which is 1 by root 3. यहाँ से tan phi मेरे पास KC upon R आएगा, which is 1 by root 3. इन दोनों equations को 1 and 2 को जब मैं कंपेयर करूंगा तो can I say that KL is equal to KC? हाँ के ना? Yes, sir. काई एल और काई सी जब बराबर होंगे तो कौन सी कंडीशन आ गई? रेजोनेंस कंडीशन। तो मेरे को ये लगाने की जरूरत नहीं, अब मैं सिंपल क्या लगाऊंगा, रेजोनेंस पे पावर कंजम्पशन क्या होती है, वी स्क्वायर बाय आर। ओके सर, ठीक है, एक्चुअली इसी से ही आता है, इसी से ही आता है, अगर मैं सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा, इससे भी निकाल लो चाहे,
पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, क्या होगा उस टाइम पे वी बाय आर। हाँ जी सर। और कॉस फाई, फाई कितना होता है रेजोनेंस में? जीरो। जीरो, कॉस जीरो इज वन, तो वही आ गया वी स्क्वायर बाय आर। ओके सर। ठीक है। हाँ जी सर। ओके, एनीथिंग एल्स टिल नाइन? ओके, एक्सरसाइज वन में चलते हैं। एक ये उस दिन क्वेश्चन था ना, ये गलत है यार, पाई नहीं आएगा यहाँ पे, पाई बाय टू आएगा। ओके, डी पार्ट में बोलो क्वेश्चन नंबर फाइव तक। एट तक एक्सरसाइज, एक्सरसाइज वन में क्वेश्चन नंबर सिक्स में एल एंड सी की वैल्यू ऑपोजिट आ रही है। ऑपोजिट आ रही है मतलब, ऑपोजिट का मतलब क्या आ रही है, मतलब क्या आ रही है तुम्हारी एल की वैल्यू? बताओ जरा क्या किया तुमने, अनम्यूट हो जाओ, बताओ मुझे मेथड बताओ। सर, मेरी एल की वैल्यू मतलब 1/32 आ रही है और नहीं वो तो ठीक है, किया क्या है, मेथड बताओ, हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सर मैंने ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC लगाया था, अच्छा तो उसमें मैंने जो वी था वो 60 वोल्ट लिया, बिकॉज वो रेजोनेंस कंडीशन है तो वी आर के इक्वल ही होएगा वी, तो उससे मैंने आई नॉट निकाला तो दैट वाज 0.5 एम्पियर। ओके, फिर वी एल इज इक्वल टू आई नॉट बाय काई एल का फॉर्मूला लगाया और वी सी इज इक्वल टू आई नॉट बाय काई सी का फॉर्मूला लगाया। हाँ ठीक है, तो मेरे पास सर्किट में करंट आ गया 1/2। अब वी, हाँ वी आर और वी बराबर होंगे ना, ठीक है? यस सर। तो वी आर और वी बराबर हैं तो इसकी वजह से मेरे पास जो करंट आ गया मेरे पास वो 1/2 आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि करंट इज वी अपॉन आर, मतलब वी आर अपॉन आर ले लो या तो, हाँ जी सर ऐसे राइट? किया मैंने, बट आंसर मेरा ऑपोजिट आ रहा है। एक सेकेंड, तो वी एल हमें क्या दे रखा है, वी एल क्या होगा आई इंटू काई एल, और वी एल हमें दे रखा है 40, आई दे रखा है 1/2, आई आ गया मतलब 1/2, आई इज ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 4×10^5 इंटू एल। सर मैंने 1/ωL ले लिया था, 1/ωL ले लिया गलती से, अब आ जाएगा ठीक है, तभी ऑपोजिट आ रहे थे। ऐसी गलतियां फिर भी टेस्ट में मत कर देना। क्वेश्चन नंबर 10 तक। ट्वेल्व तक। फिफ्टीन तक। पहले भी आया ना ऐसा क्वेश्चन,
रिपीट सही है ये शायद अभी अभी देखा है मैंने अभी क्वेश्चन ये ऐसा क्वेश्चन था पहले है ना एक्सरसाइज जीरो में है शायद यही नहीं है क्वेश्चन नंबर टू नहीं सर वैल्यूज चेंज है वैल्यूज चेंज है बट है तो बिल्कुल सेम ही है ना आंसर सेम ही है हाँ तो ऐसे ही करना है यार आंसर सेम आ रहे हैं उसके बच्चों आ रहे हैं ठीक है सब सब क्या आ रहे हैं एक आयुष और एक तुम वो बस तुम्हारे दोनों के नहीं आ रहे भाई इसमें तो है नहीं कुछ सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर विच दी एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम कौन सी फ्रीक्वेंसी पूछी है इसमें आयुष आयुष अनम्यूट कर जरा यस सर कौन सी फ्रीक्वेंसी पूछी है ये पार्ट ए में 19th में सोर्स फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट ओमेगा नॉट वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है उसका 1/√LC वन बाय रूट एल सी है ना एल और सी की वैल्यू दे रखी है तो वहीं से फाइंड करनी है सेकंड पार्ट में सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर व्हिच द एवरेज पावर अब्सॉर्ब्ड इज हाफ नहीं एवरेज पावर अब्सॉर्ब्ड बाय द सर्किट इज मैक्सिमम तो ये कौन सी मैक्सिमम पावर कब कंजम्पशन होती है आयुष सर जब हम करंट मैक्सिमम लेंगे आई नोड मैक्स होगा हाँ तो मतलब उस टाइम पे सोर्स फ्रीक्वेंसी क्या वो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी या कम होगी सेम ही होगी सर सेम ही होगी करेक्ट वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ही होगी फॉर विच फ्रीक्वेंसीज ऑफ द सोर्स इज द पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इज हाफ द पावर एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी कौन सी फाइंड करनी है हमें हाफ वाली ये हाफ वाली फ्रीक्वेंसी हमने कल किया था ना जहां पे पावर हाफ होती है उस टाइम पे करंट क्या हो जाता है 1/√2 टाइम्स तो ये वैसे फाइंड करना यस सर और क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला सीधा है अपने पास जो मर्जी यूज कर लो यहाँ पे तीनों वैसे ये वाला यूज कर लो चाहे आर भी है एल भी है सी भी है यस सर तो आंसर्स वैसे सबके आ रहे हैं ऑलमोस्ट तुम एक बार चेक कर लेना ठीक है यस दोबारा चेक कर लेंगे हाँ एक बार चेक करना ओके 20th तक एनीथिंग एल्स 20th द सेकंड हाफ 20th का सेकंड पार्ट पे जो बैंडविड्थ होती है उसको इंप्रूव करना शार्पनेस को इंप्रूव करना है शार्पनेस अगर इंप्रूव होगी तो डेल्टा ओमेगा को हमें कम करना पड़ेगा या ज्यादा करना पड़ेगा शार्पनेस कट करना पड़ेगा सर कट करना पड़ेगा ना कम करना पड़ेगा बिल्कुल सही बात है शार्पनेस इसकी ये ज्यादा शार्प है या ये ज्यादा शार्प है दूसरे वाला ऑब्वियसली ज्यादा शार्प है इसमें जो है वो डेल्टा ओमेगा कम है इसमें डेल्टा ओमेगा ज्यादा है ये डेल्टा ओमेगा है इसमें ये वाला डेल्टा ओमेगा है तो इसका डेल्टा ओमेगा कम है कितने फैक्टर से चेंज करना है उसने बोल दिया 2 से मतलब डेल्टा ओमेगा हाफ करना है डेल्टा ओमेगा क्या करना है हाफ करना है डेल्टा ओमेगा का फॉर्मूला बताओ जरा कल क्या डिराइव किया था हमने R/2L ये किया था हाँ जी सर डेल्टा ओमेगा अगर किसी को डेल्टा ओमेगा का फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वालिटी फैक्टर से कर लो क्वालिटी फैक्टर क्या था ओमेगा नॉट बाय 2 डेल्टा ओमेगा करेक्ट ओमेगा नॉट डिवाइड बाय 2 डेल्टा ओमेगा और एंड क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला एक तो ये होता है 1/√L/C या ओमेगा नॉट बाय आर और इधर एल अब क्वालिटी फैक्टर को ट्वाइस करना है डेल्टा ओमेगा को हाफ करना है तो मुझे अगर मैं रेजिस्टेंस को ट्वाइस कर दूंगा हो जाएगा काम
इफ आई डबल द रेजिस्टेंस डेल्टा ओमेगा हाफ हो जाएगा. अगर मैं एल को छेड़ूंगा या सी को छेड़ूंगा, इन दोनों में से अगर किसी से पंगा लिया मैंने, इंडक्टर से या कैपेसिटर से, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी खराब हो सकती है. तो व्हाट इज सेफेस्ट इज आर. आर को छेड़ने से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो इसलिए आई एम सेफ. शार्पनेस भी बढ़ गई, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी नहीं हिली, अपना काम हो गया. Got it? हाँ जी सर. ठीक है, और करण, करण इज सजेस्टिंग वन वे कि अगर हम एल को डबल कर दें, सी को हाफ कर दें, उससे करंट में फर्क आएगा. करण, विल आई बी एबल टू इंक्रीज दी शार्पनेस? आई मीन ये करंट, ये करंट शार्पनेस कैसे बढ़ रही है? शार्पनेस ये क्या है? दिस इज करंट वर्सेस ओमेगा का ग्राफ होता है. शार्पनेस बढ़ाने के लिए मुझे करंट बढ़ाना पड़ेगा ना. अगर करंट को इंक्रीज करना है, करंट की वैल्यू क्या होती है? V बाय R. करंट को इंक्रीज करना है तो मुझे R ही चेंज करना पड़ेगा. चलो, ये चैप्टर अभी हमारा ये डिस्कशन डन है. आप लोग एक्सरसाइज 2 ये कर लेना. कल को अपनी क्लास नहीं होती है ना, कल को डाउट क्लास है. टुमारोज क्लास वी विल डिस्कस टेस्ट, जो आपका लास्ट पार्ट टेस्ट हुआ है वो डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, डाउट क्लास में. कल जो डाउट क्लास है सेम टाइम पे, याद रखना सेम टाइम पे है, 3 बजे कनेक्ट कर लो. ठीक है, और इसमें एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, हम वो करते हैं. हाँ, राहुल शिरवी और ये. ठीक है, ओके.